हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव एंड वेलकम बैक टू गेट सेट बाय फैक्ट्स। सो फ्रेंड्स, अब तक हम खुद को दुनिया का बादशाह समझते थे, लेकिन एक छोटे से वायरस ने, जिसे हम बिना किसी माइक्रोस्कोप के देख भी नहीं सकते, उसने पूरे दुनिया को हिला कर रख दिया। आई मीन लिटरली। और आज ग्लोबल इकोनॉमी ऑलमोस्ट 2008 के द ग्रेट डिप्रेशन से भी बहुत नीचे गिर चुकी है, और आगे हमें ये नहीं पता कि हमारा ये जो डाउनवर्ड कर्व है और कितना नीचे जाने वाला है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 की शुरुआत चाइना के वुहान शहर से हुई थी, और वुहान के एक झींगे बेचने वाली महिला से लेकर आज लाखों करोड़ों लोग से भी ज्यादा इस बीमारी से इफेक्ट हो चुके हैं। एंड एज यू मे नो, इस बीमारी से सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है USA, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां आज की तारीख में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं और 14 लाख से ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि चाइना USA का ना सिर्फ सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, बल्कि USA का सबसे बड़ा राइवल भी है। USA और चाइना मिलके ही हमारे ग्लोबल GDP का 40% बनाते हैं, और वैसे तो USA आज भी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन चाइना की GDP ग्रोथ और 2020 की नई मुसीबत और कोविड-19 के चलते वो दिन दूर नहीं है जब चाइना USA को पीछे छोड़ने की धमकियां दे रहा है। और आप में से जो लोग ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रेंड्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें ये भी पता होगा कि पिछले 4-5 महीनों से USA और चाइना के बीच एक ट्रेड वॉर भी चल रहा है। इस वॉर में जब USA चाइना से आते हुए प्रोडक्ट्स पर लगने वाला टैक्स, यानी कि टैरिफ बढ़ा रहा था, तो चाइना ने भी US से आने वाले प्रोडक्ट्स में टैरिफ, यानी कि टैक्स, और ज्यादा बढ़ा दिया। और इसके जवाब में USA भाई भी टैरिफ को और ज्यादा बढ़ाते गए, और चाइना फिर वापस से, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड द ओनली थिंग दैट पुट दिस वॉर एट एन एंड वाज वेल द कोरोना वायरस, कोविड-19 पैंडेमिक। कुछ मीडिया और कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट का मानना है कि चाइना से निकला ये वायरस असल में US की इकोनॉमी को गिराने के लिए ही मकसद से बनाया गया था। ये एक ऐसा बायो वेपन है जिसे वुहान के लेबोरेटरीज में केयरफुली इंजीनियर किया गया है। और अब हम ये तो नहीं जानते कि ये कितना सच है या झूठ है या कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन ये बात से तो सभी एग्री करते हैं कि चाइना उन कुछ कंट्रीज में से था जो सबसे कम सफर किया इस वायरस की वजह से, और चाइना की इकोनॉमी सबसे जल्दी वापस से टेक ऑफ कर ली, जबकि USA अभी तक स्ट्रगल कर रहा है। USA की इकोनॉमी इतनी ज्यादा गिर चुकी है कि चाइना को अब और भी ज्यादा कम वक्त लगेगा एक लीडिंग ग्लोबल पावर बनने का। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, जितनी आसानी से चाइना ने अपने देश को कोरोना वायरस से बचा लिया, उतनी ही आसानी ट्रंप को हो रही है ये वायरस को अपने देश से निकालने में। और अब अगर इस छोटे से वायरस ने चाइना और USA के बीच में इतनी दरारें ला ली, और बाद में खुदा ना खास्ता अगर तहकीकात हो और पता चले कि चाइना ने ये वायरस को बायो इंजीनियर किया था, और फिर USA या चाइना की सटक गई और हो गया एक वॉर, तो आखिर कौन जीतेगा? किस में है उतनी पावर कि वो विक्टोरियस इमर्ज हो सके, चाइना या USA? मेरी आज की इस वीडियो का मुद्दा भी बिल्कुल यही है फ्रेंड्स, और इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि आप इन दोनों देशों के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने वाले हो जो आपको बेसिकली ये बता देगा कि विजेता कौन होने वाला है। सो फ्रेंड्स, किसी भी वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दोनों देशों की मिलिट्री, और USA की मिलिट्री दुनिया में नंबर 1, यानी मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है, और चाइना की मिलिट्री तो नंबर 3 पे आती है आफ्टर रशिया। एंड इन केस यू आर वंडरिंग इंडिया का नंबर कब आता है, तो इंडिया है नंबर 4। सो चलो यार, चाइना और USA दोनों देशों की मिलिट्री पावर को सबसे पहले कंपेयर किया जाए। चाइना की मिलिट्री दुनिया में सबसे पावरफुल मिलिट्री जरूर ना हो, लेकिन दुनिया की सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री में जरूर आती है, विद अ मैन पावर ऑफ मोर देन 750 मिलियन पीपल, यानी 75 करोड़ पीपल। नाउ कंपेयर दैट विद USA, जिसकी मिलिट्री में है 144 मिलियन लोग, यानी 14.5 करोड़ लोग। चाइना में एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है 2.3 मिलियन, यानी 23 लाख, और USA में 1.4 मिलियन, यानी 14 लाख। USA का मिलिट्री बजट पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा है, यानी $610 बिलियन, जो USA की GDP का वैसे 3.1% है। और वहीं चाइना का मिलिट्री बजट है दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट एट $228 बिलियन, जो कि चाइना की GDP का 1.9% है। और USA की अपनी मिलिट्री पे इतना खर्च करना उनकी वॉरफेयर के तरफ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड अप्रोच को दर्शाता है। USA हर एक पॉलिटिकल अलायंस और पॉलिटिकल टेंशन को एक थ्रेट की तरह देखता है और उसके लिए तैयार रहता है, और इसीलिए हमेशा एक ड्रोन या एक गाइडेड मिसाइल ऐसे सिचुएशंस में रेडी रहती है फोड़ने के लिए। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बेशक पावरफुल है, लेकिन इस तरह की अवेयरनेस उनमें अब तक नहीं बन पाई है। हर मिलिट्री के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, लैंड, एयर और नेवी। और जहां बात आती है लैंड या एयर की, तो यहां पर USA की मिलिट्री का कोई भी मुकाबला।
मुकाबला ही नहीं है। हाँ, चाइना के PLA के ग्राउंड एंड एयर फोर्सेस की क्वालिटी की रेंज बहुत वाइड है, लेकिन वाइड तो मेरा कैमरा लेंस भी है। एनीवे, उनकी ये मिलिट्री फोर्सेस कई डेकेड्स पहले बने कोल्ड वॉर सिस्टम्स और रिसेंटली बनाए गए कटिंग एज टेक्नोलॉजी वेरिएंट्स दोनों का ही इस्तेमाल करती है। बट स्टिल USA को चाइना से कई ज्यादा वॉर एक्सपीरियंस है। अब PLA के 8000 टैंक में से 3000 1950s एरा के पहले टाइप 59 और टाइप 63 के टैंक्स है, लेकिन एट द सेम टाइम PLA के 500 टाइप 99 टैंक्स भी है, जो USA के हाईली एडवांस M1 Abrams टैंक्स जितने ही पावरफुल और कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और PLA के एयरफोर्स की भी सेम ही कहानी है, जहाँ चाइना के 1700 एयरक्राफ्ट में से 1/3 कोल्ड वॉर के जमाने के पुराने हैं, वहीं 1/4 एयरक्राफ्ट 4th जनरेशन J-10 और J-11 के भी है, जो USA के F-15S और 16S और उनके कुछ 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स को भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं। सो अगर ये तकनीकी चीजें आपको समझ में नहीं आई तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट समझिए। US के मिलिट्री के ऑलमोस्ट सारे इक्विपमेंट कटिंग एज और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के, और आपको इनके आर्सेनल में कुछ भी आउटडेटेड नहीं मिलेगा। US मिलिट्री के पास 2000 से भी ज्यादा 4th जनरेशन कॉम्बैट जेट्स है, जो धीरे धीरे 5th जनरेशन स्टेल्थ डिजाइंस में कन्वर्ट किए जा रहे हैं, और ये नए US प्लेन्स लॉन्ग रेंज एरियल कॉम्बैट्स और पेनेट्रेटिंग एनिमी एयर स्पेस में कहीं ज्यादा बेहतर है। यानी अगर लंबी आसमानी लड़ाई की बात की जाए या फिर एनिमी के टेरिटरी को पेनिट्रेट करने की बात की जाए, तो US के प्लेन्स ज्यादा बेहतर है। जहाँ चाइनीज इंडस्ट्रीज जेट इंजिन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में और अपने आर्सेनल में क्वालिटी कंट्रोल रखने में भी काफी पीछे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में चाइना सबसे अव्वल है और वेस्टर्न और रशियन टेक्नोलॉजी को भी कॉपी करने में सबसे माहिर है। अब इन सब के अलावा आज तक चाइना इतना नीचे तो नहीं गिरा है, लेकिन इसके पास ऐसे टॉप लेवल के हैकर्स की कमी नहीं है, जो USA के कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक करके नेसेसरी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, और वो भी US को भनक तक नहीं पड़ेगी। अब फ्रेंड्स, मिलिट्री पावर की तो बात हमने कर ली, अब इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर किसी भी वॉर में क्या होता है। अगर आपको बताया तो वीडियो को अभी ही पॉज करके नीचे कमेंट कीजिए। कोई भी वॉर जीतने के लिए देशों को देशों की अलायंसेस की जरूरत होती है, यानी मिलीभगत। और ऐसे ही कोई भी अलायंस नहीं कि इंटू पिंटू चिंटू मिल गए और दुनिया जीत लिया। पावरफुल अलायंसेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, और पावरफुल अलायंसेस के लिए आपके पावरफुल देशों के साथ रिलेशंस बहुत ही अच्छे होने चाहिए, कि वो बुरे वक्त में भी आपका साथ दे सके। टेक्निकल और इकोनॉमिक टर्म्स में उनके नेशनल इंटरेस्ट आपके देश के नेशनल इंटरेस्ट के साथ अलाइन होने चाहिए। और अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको थोड़े देर पहले ही बताया कि USA हमेशा से एक बहुत ही फार साइटेड देश रहा है, और कई ऐसे एशियन कंट्रीज के साथ USA के काफी फ्रेंडली रिलेशंस भी है, जैसे फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर, द फिलीपींस एंड मोर रिसेंटली हमारा देश इंडिया। ये एशियन कंट्रीज और साथ ही पूरा का पूरा यूरोप USA से बहुत ही अच्छा रिलेशन शेयर करते हैं। इन देशों को USA की मिलिट्री कई बार मिलिट्री हेल्प इनके सिक्योरिटी के लिए भी देते रहती है, और उनके ऊपर कोई भी आपत्ति आए तो खुद भी हेल्प प्रोवाइड करती है। इसके अलावा USA की जियोग्राफी भी उसके लिए बहुत ही ज्यादा एडवांटेजियस है, ये वो चारों ओर से पावरफुल देशों से घिरा पड़ा है, और ये सारे के सारे देश USA के दोस्त है। अगर चाइना USA पर कोई अनप्रेसिडेंटेड हमला करना भी जाएगा, तो उससे पहले ही USA के साथ ही मिलकर चाइना की आर्मी को ऐसे ही वीक कर देंगे। और रही बात चाइना की, तो ना ही चाइना की USA के जैसे अच्छे फॉरेन रिलेशंस है, और ना ही कोई अच्छे दोस्त है, यहाँ तक कि उसकी जियोग्राफी भी बहुत ही डिसएडवांटेजेस है। चाइना चारों तरफ से अपने ही मिलिट्री कंपेटिटर से घिरा पड़ा है, इंक्लूडिंग इंडिया, रशिया एंड जापान। चाइना के सिर्फ पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और कुछ गिने चुने साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ ही मिलिट्री अलायंस है, और नॉर्थ कोरिया के अलावा इनमें से कोई भी देश चाइना को वॉर टाइम में सिग्निफिकेंटली हेल्प करना नहीं चाहता। मोस्ट ऑफ दी देश या तो नहीं चाहते या तो नहीं करने लायक है, क्योंकि इतने छोटे हैं। लेकिन क्योंकि चाइना के ट्रेड रिलेशंस दुनिया भर में ऑलमोस्ट हर एक देश के साथ है, अगर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग चाहे तो अपनी इस सिचुएशन को बहुत ही आसानी से चेंज कर सकता है बाय बीइंग अ लिटिल डिप्लोमेटिक इन देयर नेगोशिएशन, जैसे चाइना अक्सर करता है। लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द वॉर ये चीज को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है कि ये स्ट्रेटजीज चाइना के काम आएगी या फिर नहीं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट
फैक्टर की। अगर आपको पता है पॉज कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। वेल, ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉम्बैट एंड वॉर एक्सपीरियंस। चाहे आपके पास कितनी ही पावर क्यों ना हो, कितनी ही नॉलेज क्यों ना हो, या टेक्नोलॉजी कितनी ही आधुनिक हो, या इवन ट्रेनिंग क्यों ना की हो, जब तक आप किसी चीज का एक्सपीरियंस खुद ऑन फील्ड आकर नहीं करते, तब तक बात उतनी स्ट्रांग नहीं बनती है। और जहां बात आती है कॉम्बैट एक्सपीरियंस की, तो यूएसए इज लीग्स अहेड ऑफ चाइना, क्योंकि पीएलए की लास्ट सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी 1979 में, जब चाइना ने वियतनाम को इन्वेड किया था, और उसमें भी चाइना बहुत ही सक्सेसफुल नहीं हुआ था। और अकेले ही 21st सेंचुरी में यूएसए 12 मिलिट्री मिशंस और वॉर्स का हिस्सा रह चुका है। और टिल डेट सीरिया और इराक जैसे मिडिल ईस्टर्न देशों में हो रहे वॉर्स में यूएसए मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और इसीलिए व्हेन इट कम्स टू एक्सपीरियंस, तो यूएसए चाइना से बहुत आगे है। अब फ्रेंड्स, इन सब के अलावा भी कई ऐसे और फैक्टर्स भी है जो चाइना और यूएसए के बीच में लड़ाई को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यूएसए और चाइना दोनों ऐसे देश है जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, और जहां रशिया मे बी यूएसए को न्यूक्लियर सप्लाईज देकर हेल्प कर सकता है, वहीं पर नॉर्थ कोरिया चाइना को हेल्प कर सकता है न्यूक्लियर सप्लाईज देकर। एक वेरिएबल ये भी हो सकता है कि कौन सा देश कब चाइना को छोड़ के यूएसए के पास आ जाए, और कौन सा देश कब यूएसए को छोड़ के चाइना के पास आ जाए। और इसके अलावा दोनों देश किस चीज, किस प्रॉब्लम, किस दुविधा के लिए लड़ेंगे, वो भी मैटर करता है। अब चाइना और यूएसए की अगर लड़ाई हो भी जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली यूएसए जीतेगा, लेकिन वो सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट होगा। मे बी ये लड़ाई बड़ी आसानी से वर्ल्ड वॉर 3 में भी तब्दील हो जाए, और न्यूक्लियर बॉम्ब्स अगर यूज होने लगे तो पूरी की पूरी इंसानियत को खत्म हो जाने में कुछ चंद पल ही लग जाएंगे। और मैं आशा और दुआ करूंगा कि बिल्कुल ऐसा कभी ना हो, वरना इंसान खुद के ही पांव पे कुल्हाड़ी मार देगा, और ये साबित कर देगा कि उसके बुद्धि से बड़ा उसका ईगो है। तो फ्रेंड्स, विद दैट सेड, ये था एक बहुत ही बेसिक कंपैरिजन बिटवीन चाइना एंड यूएसए। होपफुली ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ नए फैक्ट्स जानने मिले। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना, मेरे चैनल गेट सेट फ्लाई फैक्ट को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए नीचे दिया गया बेल आइकन। अगर आपको फ्यूचर में ऐसे ही और कंपैरिजन वीडियोस देखने हैं तो नीचे कमेंट करके मेरे साथ जरूर शेयर करना, और मैं कोशिश करूंगा ऐसे ही वीडियोस आगे भी लाने के लिए। सो सी यू सून इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।